हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और एक ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस लेकर, जो कि हम अलाइट मिशन ऐप में बनाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से वॉच करना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना। सो चलिए हम स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें हमारा आज का ट्यूटोरियल, एंड जो भी लिंक्स मैं यूज़ करूँगी उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल, एंड ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है इंस्टाग्राम पे, मतलब जो म्यूज़िक है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, एक होगा बीटमार्क प्रोजेक्ट और एक होगा शेक अफेक्ट प्रोजेक्ट। सो आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट करना है फर्स्ट थिंग, और फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। सो जैसे ही आप यहाँ ओपन करेंगे सो यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है, एंड और बीट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है ना ग्रुप्स मिलेंगे, आई थिंक शायद कुछ 11 टू 12 ग्रुप्स है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना आपको ईच ग्रुप में आपको सेम फ़ोटो ही ऐड करना है, जितने भी ग्रुप्स रहेंगे उन सब में आपको सेम फ़ोटो ही ऐड करना है, फ़ोटो को चेंज नहीं करना है वरना पूरा जो लुक है वो ख़राब हो जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फ़ोटो पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको सेकेंड लेयर पर जो है ना आपको फ़ोटो को ऐड करना है, जो फ़ोटो आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से ही ऐड कर दी थी क्योंकि हमारा जो वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे उसके ऊपर एक और एक आपको ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप पे आपको क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है, और फिर यहाँ पर आपको सेकेंड लेयर पर नीचे वाले लेयर पर आपको अगेन वही सेम फ़ोटो ऐड करना है। सो इसी तरह से आपको एक एक करके पूरे फ़ोटोज़ सेम फ़ोटो को ऐड करते जाना है पूरा एंड तक, ठीक है, जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में आपको एक ही फ़ोटो ऐड करना है, ठीक है। याद रहे आपको फ़ोटो जो है वो एक ही ऐड करना है, फ़ोटो को चेंज नहीं करना है, ओके। सो यहाँ पर हम स्टार्ट पे आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है ना हम सबसे पहले प्लस पे जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, ओके, और जिस भी फोल्डर में हमारी फ़ोटोज़ है उस फोल्डर को हम क्लिक करेंगे, एंड वहाँ से हम एक फ़ोटो को ऐड करेंगे। जो फ़ोटो हमने ग्रुप में यूज़ किया था वही सेम फ़ोटो आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है, ठीक है। और फिर इसका ड्यूरेशन, इसको खींच कर जो है हम यहाँ नीचे लेकर आ जाएंगे हमारे ग्रुप से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमने फ़ोटो को ऐड कर लिया, फिर आगे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ग्रुप्स मिलेंगे, इन सभी ग्रुप्स में आपको वही सेम फ़ोटो ऐड करना है, एंड देन उसके बाद जो है आपको 5 सेकेंड्स पे भी वही सेम फ़ोटो ऐड करना है। सो प्लस पे जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, और फोल्डर से हम वही सेम फ़ोटो को ही ऐड करेंगे जो हमने स्टार्ट में फ़ोटो को ऐड किया था। फिर अगेन हम प्लस पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, एंड फिर यहाँ से जो है हम एक एक करके डिफरेंट फ़ोटोज़ को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से वॉच करना तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपको ऐसे ही करके एक एक करके फ़ोटो को इंपोर्ट करते जाना है पूरा एंड तक, ओके। ये म्यूज़िक जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है इंस्टाग्राम पे, लाइक बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है ये। सो ट्यूटोरियल तो बनता ज़रूर है। सो इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी बीट मार्क है उस हिसाब से आपको फ़ोटो को सेट करते जाना है, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको इफ़ेक्ट ऐड करना है, सिंपल। सो यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ को हमने ऐड कर लिया है, ओके। सो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इफ़ेक्ट ऐड करना है। सो कैसे ऐड करना है, सो हम बैक जाएंगे, हमारे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर जाएंगे, ठीक है,
एंड उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ तीन डिफरेंट लेयर्स मिलेंगे विद डिफरेंट इफेक्ट्स, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है उस पर आपको क्लिक करना है, ओके। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट्स पे जाना है, कॉपी इफेक्ट करना है, ठीक है। एंड दोबारा से हमारे बीट मार्क प्रोजेक्ट पर आ जाना है और फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाला जो लेयर है ना जिसमें हमने फ़ोटो को ऐड किया था, ठीक है, जो हमने फ़ोटो को ऐड किया था स्टार्ट में, ठीक है, उस फोटो में आपको जो है ना इस इफ़ेक्ट को ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड इफेक्ट्स पर जाएंगे और थ्री डॉट्स पर जाएंगे एंड पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको छोटे छोटे बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है, वो बॉक्सेस जो है वो मतलब ओपन हो रहे हैं जिसमें से हमारी जो फ़ोटो है वो मतलब बन के आ रही है उन बॉक्सेस के थ्रू। अब यहाँ पर जो है अब आपको क्या करना है, फाइव सेकेंड से आपको अगेन शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर आना है और हमारा जो सेकेंड लेयर है, ओके, सेकेंड इफेक्ट है, हम उसको कॉपी करेंगे, ओके, एंड अगेन हमारे बीट मार्क प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से आगे आ जाएंगे एंड यहाँ पर हमने जो सेम फ़ोटो को हमने ऐड किया था उसी पर हम सेम पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। एंड देन यहाँ से आपको सारे फ़ोटोज़ में डिफरेंट इफेक्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे एंड हमारा जो लास्ट इफेक्ट है ना उसको हम कॉपी करेंगे, ओके, एंड देन उसके बाद जो है हम अब वापस से हमारे बीट मार्क प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से कहाँ से हमने जहाँ से हमने फ़ोटोज़ को डिफरेंट ऐड किया वहाँ पर जो है ना आपको जाकर इसे अप्लाई करते जाना, ठीक है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बीट ही सब कुछ सेट हो रहा है। सो आपको जो है इसी तरीके से आपको एक एक करके फ़ोटो पर इफ़ेक्ट को ऐड करते जाना है एंड जैसे ही हमारे फ़ोटोज़ पे इफ़ेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है, पूरा एंड तक, उसके बाद जो है इसे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। सो जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे सो ये ऑटोमेटिकली हमारी गैलरी में जो है ना ये सेव हो जाएगा, ठीक है। सो मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, ठीक है, जो बॉक्सेस आ रहे हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। सो इसी तरीके से आप अपना ट्यूटोरियल सॉरी वीडियो बनाकर जो आप उसको अपलोड करेंगे तो आपको बहुत सारे लाइक्स फॉलोअर्स मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, और तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। एंड इसमें जो है ना हम एक और एक चीज़ ऐड करेंगे वो है HDR इफ़ेक्ट, ठीक है, ये ऐड करने से क्या होगा ना बहुत ही अमेजिंग लगेगा, ठीक है। एंड इसमें हमने सिंपल स्टार फील्ड भी ऐड किया है जो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। तो इसे अब हम एक्सपोर्ट कर लेंगे और कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। सो चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बाय बाय।